सो हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। सो फ्रेंड्स, तो अगर आपके साथ भी इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है जो देख सकते हो, दिस साइट कैंट बी रिसर्चेड का जो ऑप्शन आता है, और क्रोम पर अगर आप कोई सा भी वेबसाइट, कोई सा भी अगर लिंक आप सर्च करते हो तो आपके सामने बार बार इसी प्रकार का मतलब आ जाता है, दिस साइट कैंट बी रिसर्चेड। और अगर आप रिलोड पर भी अगर क्लिक करते हो तो फिर भी आपके सामने इसी टाइप का मतलब इंटरफेस आ जाता है जो यहाँ पर देख सकते हो, मतलब आपका साइट ओपन नहीं हो रहा है। और आपको अर्जेंट भी कभी कभी रहता है कि ये साइट ओपन हो जाए, बट गाइस नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा जो आप वो सेटिंग कुछ सेटिंग बताऊंगा जो सेटिंग अगर आप वो कर लेते हो तो आपका 101% गाइस ये आपका जो प्रॉब्लम है गाइस जिंदगी भर के लिए आपका सोल्व हो जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी में कभी इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, दिस साइट कैन बी रिसर्चेड का, अगर एक बार आप उस सेटिंग को इस्तेमाल अपने मोबाइल में कर लेते हो। तो वो क्या सेटिंग है, कैसे करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या होगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, तो क्योंकि अगर वीडियो को अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हो और एक भी ट्रिक अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो आपको ये दिस साइट कैन बी रिसर्चेड का जो प्रॉब्लम है इसको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए गाइस तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। जैसे आप मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाते हो तो आपको यहाँ पे क्रोम सर्च कर लेना है, जो आप देख सकते हो। जैसे मैं क्रोम सर्च किया हूँ, आपको भी इसी प्रकार से क्रोम सर्च कर लेना है। और क्रोम सर्च करने के बाद आपको यहाँ से देख लेना है कि यहाँ पर आपका अगर अपडेट का ऑप्शन आता है तो पहले आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। मेरा यहाँ से ओपन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका अपडेट का आता था पहले आप यहाँ से अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ से अपडेट कर लेते हो और अपडेट करने के बाद आपको सीधा ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो ऊपर आपको 3 डॉट का जो ऑप्शन यहाँ पे शो करता था, वो 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 डॉट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री का जो ऑप्शन आपको शो करता है तो आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका टोटल मतलब हिस्ट्री आ जाएगा, जो आप किस टाइम क्या सर्च किए टोटल हिस्ट्री यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है क्लियर ब्राउजिंग डाटा का, जो आपको ऑप्शन मिलता है तो आपको क्लियर ब्राउजिंग डाटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो ऊपर आपको 2 ऑप्शन आ जाता है, एक बेसिक एक एडवांस गाइस, तो ठीक है। तो आपको बेसिक पे क्लिक करके और ये जो आपका जो होगा गाइस ये ऑल टाइम होगा, जो मेरा लास्ट 24 आवर्स है गाइस, तो ये आपका ऑल टाइम होगा ऐसे। तो आपको इस पर क्लिक करके लास्ट 24 आवर्स आपको इसको कर देना है। उसके बाद आपका कुकीज एंड साइट डाटा में अगर आपका यहाँ पर टिक है तो आप इसको टिक से हटा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एडवांस वाले ऑप्शन में आपको जाना है गाइस उसके बाद, ठीक है। तो आपको एडवांस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपका यहाँ पर भी ऑल टाइम होगा तो आपको 24 आवर्स पे आपको ऐसे क्लिक कर देना, और यहाँ पर भी आपका कुकीज एंड साइट डाटा पे आपका क्लिक होगा गाइस, जो मतलब टिक होगा तो इसको टिक से यहाँ से हटा देना है। इतना आप कर लेते हो उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको फिर से 3 डॉट वाले ऑप्शन में जो ऊपर शो कर रहा है गाइस, तो आपको वो 3 डॉट वाले ऑप्शन पर फिर से आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नीचे एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाता है, तो आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो उसके बाद आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा जो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस। तो आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है साइट सेटिंग्स का, जो आपको ऑप्शन मिल जाता है आपको साइट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइट सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको कुकीज़ का जो सब फर्स्ट में ही आपको एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके इसको मतलब सेकेंड वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना। आपका थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी, और 1 में भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको सेकेंड वाले नंबर पर कर देना, जो ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ इन इनको मोड वाला जो ऑप्शन आपको आ जाएगा 2 नंबर पे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना कर ले तो उसके बाद आपको लोकेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब लोकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद गाइज आपको यहाँ से सीधा बैक आ जाना है, जो आपका काम मतलब क्रोम का यहाँ से हो गया हुआ है, जो देख सकते हो गाइज यहाँ से आपका क्रोम का इतना काम हो चुका है। अब आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सीधा आपको अपने मोबाइल के सेटिंग में जाना है गाइस। तो चलिए मोबाइल के सेटिंग में चलते हैं। जैसे आप मोबाइल के सेटिंग में जाते हो उसके बाद आपको ऐप्स ढूंढ लेना है, या ऐप्स नहीं मिलता तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हो ऊपर, तो मेरा ऐप्स यहाँ पर ही है। ऐप्स में आने के बाद आपको यहाँ पर क्रोम में आ जाना है गाइस, जो देख सकते हो हम क्रोम में आ चुके हैं। क्रोम में आने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जाना है, और नोटिफिकेशन को ऑल पे रख देना, जो देख सकते हो गाइस मेरा ऑल है यहाँ से, तो आपको नोटिफिकेशन ऑल कर देना है। फिर परमिशन में जाके आपको परमिशन टोटल को दे देना है, कैमरा, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, माइक्रोफोन, म्यूजिक एंड रेडियो, नियर बाय डिवाइस, नोटिफिकेशन, फोटो एंड वीडियो गाइस, मतलब ये जो भी होगा सबको आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना कर लेते हो उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर जो देख सकते हो यहाँ पर आपको मिल जाता है पिक्चर इन पिक्चर गाइस, ठीक है। पिक्चर इन पिक्चर को भी मतलब आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। उसके बाद एक आ जाता है इंस्टॉल नो ऐप्स का गाइस, आपको इसको भी अलाउ कर देना है, अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स को आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। इतना आप कर लेते हो उसके बाद गाइज आपको अब करना क्या है,
तो आपको थोड़ा नीचे आना है फिर क्रोम में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टोरेज वाला, तो आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्लियर स्टोरेज नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर का जो एक सेकेंड में जो आपको ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करके आपको इसको क्लियर कर देना, ठीक है। इतना करने के बाद गाइज आपका जो प्रॉब्लम था क्रोम का, दिस साइट कैन बी रिसर्चर वाला जो आपका प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम गाइज 101% आपका गाइज सोल्व हो गया होगा गाइज। और ये मैं गारंटी लेता हूँ गाइज कि आप प्रॉब्लम सोल्व हो गया होगा। तो बस गाइज आज की वीडियो इतना गाइज, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए गए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। चलिए गाइज मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।